दवा विक्रेता समिति ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 4,01,000 का चेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा, जिसके संबंध में दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही पहले की व्यवस्था दुकानों के लिए लागू होगी, जो कि साप्ताहिक होती थी। दुकानें 6 दिन खुलती थी और 1 दिन बंद रहती थी। इस पर काम चल रहा है और सभी लोगों से अपील है कि दुकानों पर मास्क लगाकर काम करें, सैनिटाइजर जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसी क्रम में दवा विक्रेता समिति के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 4,01,000 का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इस मौके पर दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे, किराना कमेटी के अध्यक्ष उमेश मद्देशिया, भोला अग्रहरी, श्री प्रकाश सिंह मुन्ना, अनिल टेबड़ीवाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने कहा, आलोक चौरसिया, महामंत्री दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। माने महाराज जी का एक बैठक आज समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ थी, और लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था उसके बाद ये पहली बैठक है। इसके पहले ऑनलाइन हम लोग की वार्ता हुई थी जूम ऐप के थ्रू, और शहर का हाल और जिला प्रशासन का क्या क्या सहयोग मिल रहा है, आम व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, आम जनमानस को किसी चीज़ की उपलब्धता में, दुकानें भी क्रमशः खुल रही हैं। महाराज जी ने ये भी कहा जाके जो रूटीन रोस्टर वाइज चल रही है वो भी प्रत्येक 6 दिन, और जो साप्ताहिक बंदी है वही अब लागू होगी। उस क्रम में भी काम चल रहा है, जल्दी शहर को पूरे 6 दिन दुकान हफ्ते में खोलने को मिलेगा, और जो साप्ताहिक बंदी है उसी को फॉलो किया जाएगा। धीरे धीरे हो रहा है, और एक चीज़ का अपील उन्होंने किया है कि समस्त लोग सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर अनुपालन करें। सबको सुरक्षित रहना है, सबसे प्रथम लक्ष्य यही है। और आज उसी क्रम में कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे संगठन दवा विक्रेता समिति की तरफ से माननीय महाराज जी का पहले आह्वान भी था, और हमने अपने तरफ से एक छोटा सा अंशदान दिया है 4,01,000 रुपये का कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि जो लोग भी स्वेच्छा से जो भी दान कर सकते हैं उन्हें आगे आना चाहिए, ताकि इस वैश्विक महामारी है इसमें जिसका भी भला हो सके, जिससे जो भी लाभार्थी हो उसे लाभ मिल सके।